हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल एंड स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, इस ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा आप इंडिया से उज्बेकिस्तान कैसे जा सकते हो, इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं और फ्लाइट टिकट कितने का है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा उज्बेकिस्तान का सीरीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और उज्बेकिस्तान के बहुत सारे आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ में इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, बोर्डिंग पास में मिल चुका है और इमिग्रेशन हमने क्लियर कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। गेट नंबर 1 से हमारा फ्लाइट है, तो यहाँ सिर्फ आधा घंटा रह गया, आधे घंटे बाद मेरा फ्लाइट है। तो इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, बहुत सारे सवाल कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैं एक जगह पर बैठ जाता हूँ, जाके वहाँ पर आपको बताऊँगा। तो गाइस, जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी गेट नंबर 1 से, तो अभी हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया था इमिग्रेशन में, लेकिन फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। तो अभी मुश्किल से 30-40 मिनट और लगेगा हमें, उसके बाद हम फ्लाई करेंगे उज्बेकिस्तान के लिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन में वो लोग क्या क्या पूछ रहे और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। तो इमिग्रेशन में सबसे पहले आपसे जो आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो आपसे पूछेंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा, साथ में वीज़ा अगर आपके पास में एक हार्ड कॉपी है तो वो दिखा देना, और ईमेल आपको आया होगा इमिग्रेशन की तरफ से तो वो भी चेक कर सकते हैं। और फिर आपसे पूछेंगे कौन कौन से सिटी में आप स्टे करने वाले हो और कौन कौन सी जगह पर आप घूमने वाले हो, तो ये चीज़ें आप पहले से स्टडी कर लेना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप वहाँ पर डरोगे या फिर वो करेंगे तो फिर वो लोग कुछ भी आपके साथ कर सकते, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग समझेगा हम डोंकी लगा के कहीं और जा रहे हो। तो एक और चीज़ है, अगर आपको मतलब ज़्यादा आपका रुकने का प्लान है या फिर कोई प्लान फिक्स नहीं है तो आप डेमी टिकट भी बुक कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। आप अगर चाहे वहाँ जाने के बाद में आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो अगर आपको दूसरे कंट्री मूव होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इमिग्रेशन में क्लियर करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर जा सकते हो। तो अभी हम लोग का जो फ़्लाइट है वो है 1:45 पर, तो यहाँ पर चेक इन चालू हो चुके हैं। वहाँ पर देखिए आप, हमारा नंबर भी आएगा, हम लोग अंदर जाने वाले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ़्लाइट टिकट आपको कितने का पड़ जाएगा अगर आप 10 या 15 दिन पहले बुक करोगे। तो जो मैंने बुक किया था वो मैंने लगभग 2 वीक्स पहले मैंने बुक किया था, तो मेरे को पड़ गया था 18,000 इंडियन रुपीज़ का। अगर आप और भी पहले बुक करते हो फ़्लाइट टिकट तो आपको लगभग 15,000 या फिर 16,000 का पड़ जाएगा। नबी गाइस, फ़िलहाल प्राइस काफ़ी ज़्यादा है फ़्लाइट्स के, तो अभी महंगा पड़ेगा। तो ixigo.com से आप कर लेना फ़्लाइट टिकट बुक, काफ़ी अच्छा चीप रेट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर जाने वाले हैं, और लगेज की मैं बता देता हूँ, लगेज आप इस तरह से एक छोटा बैग ला सकते हो जिसमें आपका मिनिमम जो वेट है जो एयरलाइन ने अलाउ किया है, उज्बेकिस्तान एयरलाइन से मेरी फ़्लाइट है तो इन लोगों ने 7 kg का वेट अलाउ किया है, 7 kg वेट हम यहाँ पर ले आ सकते हैं। इसके ज़्यादा आप लेके जाओगे तो यहाँ पर ये लोग फ़ाइन मार सकते हैं। तो वैसे सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर वेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर वेट आपका ज़्यादा है ना, क्योंकि 7 kg यहाँ पर अलाउड है, इससे ज़्यादा अप्रोक होंगे तो वो लोग वहीं पे रोक लेंगे और बाद में फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करेंगे। तो कीप दैट इन योर माइंड, आपको वेट ज़्यादा नहीं लेना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट की ओर, सामने फ़्लाइट है, फ़्लाइट कैसा अंदर से है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड आई एम सो एक्साइटेड। There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But then I got hello. 27 seat number hai. Dekhna kya kaam hai. हेलो, यार हमारी जो फ़्लाइट है लगभग 2 घंटा लेट हो चुका है, और इसका रीज़न क्या है दोस्तों, फ़्लाइट के अंदर एक आदमी था जो उज्बेकिस्तान का सिटीजन है, उसकी डेथ हो गई है, मर गया है।
तो इसीलिए उसकी बॉडी को अभी मेरे ख्याल से बाहर लेके जाएंगे फिर अंदर रखेंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, 2 घंटे से हमारी फ्लाइट लेट है। और पीछे एक पेशेंट बैठा था, उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको भी वापस लेके गए। तो 2 सीन हो गए। तो फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ लाइफ में, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन पहली बार फ्लाइट में ये चीज़ देखने के लिए मिली। तो इस वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई फ्लाइट, लेकिन फिर भी दोस्तों कम्प्लीट ब्लॉग शूट करेंगे हम। जैसे हम उज़्बेकिस्तान पहुँचते हैं वहाँ का भी आपको दिखाऊंगा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे वहाँ पर आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, कैसे कैश वगैरह निकाल सकते हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लाइट इस टाइम। ओके, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका और मैंने साथ में टैक्सी बुक कर ली। तो मेरे को जो टैक्सी पड़ी यहाँ पर वो है 65,000 उज़्बेकिस्तान करेंसी में, अपने यहाँ का पड़ जाएगा आपको लगभग 400-500 रुपया। तो ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, ठीक ठाक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा, क्योंकि जब आप वहाँ से आओगे दिल्ली से तो वो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत काफ़ी स्मूथ रहा, कुछ इन लोगों ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इन लोगों ने वीज़ा वगैरह देखा और फिर बोला ठीक है ओके गो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। बाद में मैंने सिम कार्ड यहाँ से बाई किया, सिम कार्ड का जो कॉस्ट है वो है 50,000 उज़्बेकिस्तान करेंसी, यानी कि सोम 50,000 सोम। तो इसको आप इंडियन रुपीज़ में देखें तो लगभग 325 समथिंग बैठेगा, जिसमें आपको 20 GB इंटरनेट मिलेगा 1 मंथ के लिए, 1,500 SMS है और अनलिमिटेड कॉल है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये 1 मंथ के लिए मिलता है सिम कार्ड, तो काफ़ी अच्छा है, मैंने ले लिया ऑलरेडी और अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सिम कार्ड है। तो अगर आपको मनी एक्सचेंज करना है या फिर सिम कार्ड लेना है तो वो सारी चीज़ें एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएगी ताशकंद एयरपोर्ट पर। तो इन चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेना, क्योंकि जब हम गए थे लास्ट टाइम शिमकेंड तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गया था कज़ाकिस्तान में, वहाँ पर नहीं था ऐसा। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आ चुके हैं और ये बाहर का नज़ारा है, बाहर का व्यू है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल अपने हॉस्टल की तरफ, तो वहाँ पर आपको अपना हॉस्टल भी दिखाऊंगा साथ में, कैसा हॉस्टल है, काफ़ी चीप हॉस्टल है। अगर आप आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बुक कर लेना, लेकिन पहले मैं जाकर चेक कर लेता हूँ कैसा है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहा तो आप भी कर सकते हो। तो काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, जो एक कोइंसिडेंस हो गया, वेदर यहाँ का ठीक ठाक है, इंडिया से थोड़ा सा मतलब ठंडा है, इंडिया में ज़्यादा इस टाइम पर हॉट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक है मौसम। ओके सो गाइज, हमने यहाँ पर हॉस्टल बुक किया था ऑनलाइन booking.com से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, इस हॉस्टल का नाम है हाउस द मून, और यहाँ पर जो रूम है वो इस तरह से है, जिसमें 6 बेडरूम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 2 इधर है 2 इधर है और 2 इधर, 6 बेडरूम है। और यहाँ पर जो इसका रेंट है वो है 522 इंडियन रुपीज़ एक दिन का, तो काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, इस तरह का बेड आपको मिलेगा और साथ में लॉकर है और यहाँ पर एसी वगैरह सब कुछ है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन। वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। व्हाट्स योर नेम? निकिता। ओह, हिज नेम इज निकिता, ही इज फ्रॉम रशिया एंड हिज बेड इज हियर इन रशिया, दैट्स माय होम। तो ये भाई रशिया से है। तो ये यहाँ पर लॉकर वगैरह है और इन लोगों ने ये यहाँ पर स्टे किया, मेरा जो बेड है ऊपर वाला है, तो काफ़ी अच्छा है भाई। और यहाँ पर और 2-3 बंदे, तो अभी फ़िलहाल है नहीं, तो मैं आपको बाहर का भी थोड़ा टूर करा देता हूँ। तो यहाँ पर बैग वगैरह रख सकते हो, तो मेरे पास तो एक छोटा सा बैग था, एक ही छोटा वाला बैग है, तो ठीक ठाक है। तो मैंने सोचा यार जो अपना हॉस्टल है उसको भी आपके साथ में शेयर करना चाहिए डिटेल, ताकि अगर आप लोग यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो यू कैन स्टे हियर। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, करेंसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, यानी कि इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 132 रुपये। तो मैंने जो ATM से निकाले थे वो मैंने निकाले लगभग 5 लाख, यहाँ की करेंसी वो बोलते हैं सोम, तो मैंने 5 लाख सोम निकाले। और 5 लाख सोम जब मैंने निकाले तो मुझे मैसेज आता है मेरे बैंक की तरफ से कि 3600 रुपये मेरे अकाउंट से कट चुके हैं, यानी कि 5 लाख रुपये मैंने निकाले और इंडिया के मेरे अकाउंट से कितने कटे, सिर्फ 3600। तो यहाँ पर आप करेंसी की हालत समझ सकते हो। तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें मतलब सस्ती है, ज़्यादा महंगी यहाँ पर नहीं है, चाहे वो टैक्सी हो या फिर खाने पीने की चीज़ हो, तो मैंने नोटिस किया काफ़ी सस्ती है। तो यहाँ की जो करेंसी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ की करेंसी है ये देखिए, ये 2 लाख का नोट है जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, ये है यहाँ का 2 लाख सोम, ठीक है, और ये भी 2 लाख का है। यहाँ पर यार नोट तो बहुत तगड़े तगड़े मेरे भाई।
तो मैंने 5 लाख सोम निकाले जो कि काफ़ी काफ़ी ठीक ठाक है मेरे लिए। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था, करेंसी की यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और जब आप यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरोगे तो वहीं पर ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, सिम कार्ड और ये करेंसी वरेंसी सब कुछ। एक्सचेंज चाहे एक्सचेंज भी करा सकते हो। मेरे पास लगभग 46,000 पड़े थे कजाकिस्तान की करेंसी, तो वो ही मैंने चेंज करा ली, तो उसके मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। तो एकदम जो पर्स है ना एकदम फुल हो गया पैसों से। तो ये हॉस्टल है, बाहर का इस तरह से आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। हाउस द मून, यहाँ पर बैठने के लिए। हाय ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। और सर नेम? आसिफ। आसिफ, तो ये भाई है आसिफ भाई बांग्लादेश से। ये देखिए ग्रेप्स खा रहे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ऐसे 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 ले जा। नहीं नहीं नहीं, गास्ट गास्ट। हां इंडिया सिर बता ना। हां फ्रेश है। हां फ्लाइट और लो फ्रेश। अच्छा अच्छा है। नहीं भाई, ये है उज्बेकिस्तान का ग्रेप्स, काफ़ी अच्छा है। और भाई लोग भी काफ़ी अच्छे, यहाँ पर बैठे देखिए। यूट्यूबर है या यूट्यूबर है? तो ये यहाँ पर हॉस्टल इस तरह देखिए ऊपर भी है। 2522 इसका चार्जेस है वन डे का। ये इसका रिसेप्शन है, ये बाहर से देखने मिलेगा। यार इन लोगों ने मेरे को ग्रेप्स दिया, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टेस्टी है। उज्बेकिस्तान में फर्स्ट अभी मैंने एंट्री किया और देखो ये लोग मिले बांग्लादेश से और एक गिफ्ट किया हमने खा लिया। तो ये है भाई हॉस्टल, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये है एमसेट, ये देखिए रिसेप्शन। और मैं आ चुका हूँ अभी बाहर। तो भाई जो है सिगरेट पी रहा है, ये हमारा रिसेप्शनिस्ट है। यहाँ देखिए बाहर का व्यू इस तरह से, काफ़ी शांत है। अभी लगभग 8 बज चुके हैं। ये क्या उज्बेकिस्तान भाई। और ये हॉस्टल है, सामने देखोगे इस तरह का फ्रंट है, ये फ्रंट है इस तरह का, हाउस दे मून। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा हॉस्टल, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। ये आप देख लीजिए हाउस दे मून, ये वाला हॉस्टल का नाम है। एसी वैसी सब कुछ है और काफ़ी अच्छा है। तो यार देखिए कितना शांति है, एकदम इंडिया की तरह तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एकदम बहुत अच्छा सा माहौल है। तो मैं फ़िलहाल अभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। कल से हम निकलेंगे, जो भी यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है, उनका भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो मैं जस्ट अपना ये हॉस्टल आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, इसका डिटेल्स। चलिए 2-3 दिन यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या सीन है, बाद में फिर बाहर का प्लान करते हैं। समरकंद जाएंगे, बुखारा जाएंगे, बहुत सारी सिटी है जो हमें एक्सप्लोर करनी है। तो वैसे अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। आईडी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाए एंड फॉलो कर लीजिएगा।